Good morning class, this is our pharmacology class in which today we will study about the renal pharmacology. We all know that kidney is the major excretory organ of the body. The function unit of the kidney is nephron. Each kidney contains about 1 million nephrons and the function of kidney are regulatory, excretory and hormonal functions. तो हम क्या कह रहे हैं, किडनी हमारा मेन रेगुलेटरी ऑर्गन है जिसका मेन एक्सक्रेटरी फंक्शन है. किडनी की फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन होती है और हर एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन तक नेफ्रॉन्स जो है वो पाए जा रहे होते हैं. किडनी का फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन, जिसमें वो एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है और फ्लड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करता है. दूसरा एक्सक्रेटरी फंक्शन है, जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन किया जाता है. और थर्ड है उसका हार्मोनल फंक्शन, जिसमें वो विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, रेनिन और एरिथ्रोपोएटिन को वो प्रोड्यूस करता है. इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देखिए. यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड एक्टिव ट्यूबुलर सीक्रीशन. ये मेन तीन काम होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के दौरान, कि पहला ग्लोमेरुलाई से फिल्ट्रेशन होएगा, ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्प्शन होगा और एक्टिव ट्यूब्यूल से सीक्रीशन भी हो रहा होता है. यूरिन फॉर्मुलेशन जो है वो ग्लोमेरुलाई के फिल्ट्रेशन से शुरू होता है और जो इसका वॉल्यूम है फ्लूड फिल्टर्ड का लगभग 180 पर लीटर एक दिन के अंदर ये वॉल्यूम फिल्टर होता है और ये विच मोर देन 99% गैस रीअब्सॉर्ब. और जो फिल्टर हुआ था उसके 99% ज़्यादा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा वापस से रीनल ट्यूबल्स में और जो यूरिन आउटपुट फिर बचेगा वो केवल 1 से 1.5 लीटर पर डे ही बचेगा फिल्ट्रेशन के बाद में. फिल्ट्रेशन के बाद में फ्लूड जो है वो ट्रैवर्स इन द रीनल ट्यूबल्स. द ट्यूबुलर फ्लूड कंटेंस, ऐसे फ्लूड के अंदर सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज जो हैं वो पाए जा रहे होते हैं. अब इसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बताया गया है कि भाई ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे चलेगा. तो देखिए, मोस्ट ऑफ द फिल्टर्ड सोडियम इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड. जो फिल्टर हुआ सोडियम उसमें से अधिकतर पार्ट जो है वो तो रीअब्सॉर्ब हो जाता है. क्लोराइड भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है पैसिवली सोडियम के साथ में ही. कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोडियम और पोटेशियम एक्सचेंज में और बाइकार्बोनेट का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है. इसके अलावा पोटेशियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एट्सेट्रा, ये सब के सब भी जो हैं वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं. प्रोपोर्शनेटली वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होता है थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत एक्सक्रीट हो जाता है. तो ट्यूबुलर फ्लूड जो है वो पीसीटी में आइसोटोनिक रहता है क्योंकि अभी तक ऊपर तो सारे आयंस एब्जॉर्ब हुए थे पर केवल आयंस नहीं हो रहे, साथ में वाटर भी हो रहा है, इसलिए वो फ्लूड कैसा रहता है, आइसोटोनिक. केवल आयंस होते, बहुत कम अमाउंट में वाटर होता तो हाइपरटोनिक फ्लूड बन जाता. तो हम क्या बता रहे हैं, एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन वगैरह कैसे चल रहा है, कि हमने कहा ग्लोमेरुलाई से फिल्टर हो रहा होता है और ट्यूब्यूल से सीक्रीशन, एक्टिव ट्यूब्यूल सीक्रीशन से और ट्यूबुल के रीअब्सॉर्प्शन. जो चीज़ फिल्टर हो गई, थोड़ी बहुत चीज़ें सीक्रीट हुई, उसके अलावा उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगी. रीअब्सॉर्ब कहाँ कहाँ होती है, पहला तो पीसीटी में होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, क्योंकि हमने वर्ड बोला ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, मतलब ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब हो रही हैं. तो पीसीटी के अंदर सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट और वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह जो है पीसीटी के अंदर रीअब्सॉर्ब होते हैं. ये चीज़ डायग्राम में दिखाई गई है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे कितना कितना रीअब्सॉर्ब हो रहा है. देखो ये परसेंटेज फॉर्म में दिखाया गया है, पीसीटी का सेगमेंट किया गया है. 90% ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो रहा है, 10% ग्लूकोज इस साइड रीअब्सॉर्ब हो रहा है. तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ कैसे कैसे रीअब्सॉर्ब हो रही है वो इसके अंदर बताई गई है, पीसीटी के डायग्राम के साथ में चीज़ बताई गई है. तो पीसीटी में जो चीज़, अब क्योंकि वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है और आयंस भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इस वजह से पीसीटी कैसा रहता है, उसके अंदर जो फ्लूड रहता है वो आइसोटोनिक फ्लूड होता है.
दूसरा अब लूप ऑफ हैनले दिखाया गया है। लूप ऑफ हैनले में डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो मिसरेबल होती है सोडियम और यूरिया के लिए, और वाटर के लिए वो हाईली परमिएबल होती है। इसलिए जो फ्लूड है लूप ऑफ हैनले के अंदर वो हाइपरटॉनिक होता है। पीसीटी में आइसोटॉनिक था, लूप ऑफ हैनले में हाइपरटॉनिक। नेक्स्ट अब हाइपोटॉनिक पढ़ेंगे। पहले लूप ऑफ हैनले को भी पूरा कर लेते हैं। इसका जो थिक असेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है और हाईली परमिएबल होता है सोडियम और क्लोरीन के लिए। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन सोडियम और क्लोराइड का जो है वो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कार्बन ट्रांसपोर्टर का के द्वारा हो रहा होता है और सेलेक्टिवली ब्लॉक्ड बाय लूप डायूरेटिक्स के थ्रू ये सेलेक्टिवली ब्लॉक भी होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम भी जो है इसी जगह के ऊपर रीएब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो इतने सारे आयन्स इसके अंदर रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। देखो डायग्राम के अंदर सोडियम क्लोराइड के बारे में बताया गया है, वाटर जो है वो निकल जाता है क्योंकि हाईली परमिएबल है। तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन ये इसकी दो लिम्स है, असेंडिंग लिम्स और डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो पैसिवली परमिएबल है वाटर के लिए, असेंडिंग लिम्ब जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है सोडियम क्लोराइड का, फॉलोज पैसिवली इम्परमिएबल टू वाटर और ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है असेंडिंग लिम्ब। अब डिस्टल टेबल देखिए, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए ये इम्परमिएबल होती है। थायासिड के बारे में लिखा हुआ है, थायासिड हम इसको आगे पढ़ेंगे। जबकि अपन पीसीटी में कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स पढ़ते हैं, थायासिड अपन डिस्टल ट्यूब्यूल में पढ़ते हैं। अब ये क्या चीज़ें वो आगे आ जाएगा। तो ये सोडियम और क्लोराइड के लिए इम्परमेबल होती है और ये रीअब्जॉर्ब कर लेती है, रीअब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड सिंपोर्टर। दिस इज ब्लॉक्ड बाय थायासिड, अपन इसको थायासिड के द्वारा ब्लॉक कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के सिंपोर्टर के थ्रू उसको रीअब्जॉर्ब करती है क्योंकि ये जनरली तो इनके लिए कैसी होती है, ब्लॉकेड होती है। अब कलेक्टिंग डक्ट डिस्टल ट्यूब के साथ में कलेक्टिंग डक्ट भी देखिए। तो सोडियम जो है वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो गया, क्लोराइड और वाटर जो है वो पैसिवली डिफ्यूज हो जाते हैं। सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन आयन्स का एक्सचेंज होता है। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज जो है वो एल्डोस्टेरोन से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन आप जानते हो ना, उसका असर पड़ता है ये सोडियम पोटेशियम के एक्सचेंज के ऊपर। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है और पोटेशियम के डिप्लीशन को प्रमोट करता है। जो फ्लूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, अब ये तो ऊपर वाला तो खत्म, डिस्टल ट्यूब्यूल। अब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो फ्लूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है वो ADH के इन्फ्लुएंस से हो रहा है। ऊपर तो किसका इन्फ्लुएंस था, एल्डोस्टेरोन का, और अब ADH का रोल होता है। ADH के एब्सेंस में कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इम्परमेबल बन जाती है वाटर के लिए और लार्ज अमाउंट का डाइल्यूट यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर ऐसे में यूरिन कैसा एक्सक्रीट होगा, डाइल्यूट। नॉर्मली हाइड्रोजन आयन जो है वो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं अमोनियम को अमोनिया के अंदर और बाद में वो एक्सक्रीट होता है। तो ये डायग्राम के थ्रू भी आपको बताएगा, इस डायग्राम को आप देखिए। अब इसके बाद हम जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स आर ड्रग्स दैट प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं रीनल फार्मेकोलॉजी। रीनल फार्मेकोलॉजी हमने स्टार्ट करने से पहले किडनी के पार्ट्स देखे कि किस किस पार्ट में क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं या क्या चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं। तो हमने PCT पढ़ा, कलेक्टिंग डक्ट पढ़ा, लूप ऑफ हैनले पढ़ा और डिस्टल ट्यूब पढ़ा। ये सारे पढ़े किस किस का कहाँ कहाँ पर क्या क्या फंक्शन हो रहा है, सोडियम कहाँ, पोटेशियम कहाँ, हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट प्रोटीन वगैरह सब चीज़ें हमने देखी। अब हम सबसे पहली जो फार्माकोलॉजी की ड्रग अपन देख रहे हैं वो है डायूरेटिक्स। इसके अंदर अपन सबसे पहला डायूरेटिक्स पढ़ेंगे। अब डायूरेटिक्स जो हैं वो ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, सोडियम और वाटर का यूरिन में एक्सक्रीट आउट करवाती हैं। इसी तरह से हम दूसरी ड्रग पढ़ेंगे एंटी डायूरेटिक्स, जो डायूरेटिक्स के अगेंस्ट में वर्क करेगी। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे दो मेन टॉपिक्स आते हैं, डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स यूरिन के अंदर सोडियम वाटर का एक्सक्रीशन करवाता है, ये वो दवाइयाँ हैं। अब डायूरेटिक्स का अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो देखिए, हम इसको लगभग
पांच क्लासेस में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला ड्रग्स एक्टिंग ऑन पीसीटी, दूसरा ड्रग्स एक्टिंग ऑन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्योंकि लूप ऑफ हेनले में थिक और थिन लूप्स होते हैं ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो वो ड्रग्स जो असेंडिंग लिम्ब के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तीसरी वो ड्रग्स जो कि अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल पर एक्ट कर रही हैं। चौथी लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट कर रही हैं। और पाँचवीं वो ड्रग्स जो कि पूरे नेफ्रॉन पर एक साथ वर्क कर रही हैं, पर मेन साइट है इनकी लूप ऑफ हेनले। अब जो पीसीटी पे एक्ट करते हैं यानी साइट वन, वो होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसके अंदर एसिटाजोलामाइड आती है। ड्रग का नाम है एसिटाजोलामाइड। अब दूसरा जो थिक असेंडिंग लिम्ब पर लूप ऑफ हेनले की थिक असेंडिंग लिम्ब पर एक्ट कर रही है, उसमें लूप डायूरेटिक्स आती है जैसे कि फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटाइडिन, टॉर्सेमाइड, एथाक्राइनिक एसिड जैसी ड्रग्स लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिंक पर एक्ट करती हैं। तीसरी डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर थायाजिड और थायाजिड रिलेटेड डायूरेटिक्स आते हैं। थायाजिड के अंदर क्लोरोथायाजिड, हाइड्रोक्लोरोथायाजिड, पॉलीथायाजिड और बेंजथायाजिड आती हैं। थायाजिड रिलेटेड डायूरेटिक्स के अंदर क्लोरथैलिडोन आती है, इंडापामाइड आती है, मेटोलाजोन आती हैं। फोर्थ हैं डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जो एक्ट करती हैं एक साथ, उसमें पहला एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और दूसरी सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाली, डायरेक्टली इनहिबिट करने वाली। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में स्पायरोनोलैक्टोन आती है और एप्लेरेनॉन आती है, जबकि सोडियम चैनल का डायरेक्ट इनहिबिटर जो है वो एमिलोराइड और ट्रायामटेरिन है। इसके बाद लास्ट पूरे नेफ्रॉन पर जो एक साथ एक्ट कर रही होती है वो होती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जिसमें मैनिटो ग्लिसरॉल और आइसोसॉर्बाइड आती है। मैनिटॉल, एल इसका गायब हो गया, आप लिख लीजिएगा मैनिटॉल, और स्पेलिंग में डबल एन आता है मैनिटॉल की स्पेलिंग में, इसमें थोड़ा सा एक एन रह गया एक एल रह गया, ऐसे मिसप्रिंटिंग होती रहती है। तो मैनिटॉल, ग्लिसरॉल और आइसोसॉर्बाइड नाम की ड्रग्स जो हैं वो लूप ऑफ हेनले पर मेनली या पूरे एंटायर नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। अब इसके बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे कि जितनी भी ड्रग्स का नाम अपन ने पांच कैटेगरी के अंदर लिया, उन ड्रग्स को अपन डिटेल में पढ़ते हैं। ये वो पूरा डायग्राम जो अभी अपन ने किश्तों में पढ़ा था वो एक साथ यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे एक्ट कर रहा है। देखिए ये ग्लोमेरुलाई का स्ट्रक्चर है, एंजियोटेंसिन सेकंड का रोल होता है, कॉर्टेक्स पार्ट दिखाया गया है, पीसीटी पर शुगर, अमाइनो एसिड, सोडियम, डिसेंडिंग लिम्ब जो कि वाटर के लिए परमिएबल होती है लूप ऑफ हेनले की, असेंडिंग लिम्ब जो सॉल्ट के लिए परमिएबल होती है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये आयंस यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रेनिन का रोल है, सोडियम क्लोराइड का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप में रोल है, विटामिन डी का रोल है, पैराथायरॉइड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या कौन, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एडीएच का रोल है, तो कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी चीज़ एक्ट कर रही होती है। अब डायूरेटिक के साइट ऑफ एक्शन देखिए नंबरिंग के साथ दी हुई है, नीचे से पहले देखते जाइए। सबसे पहली है एसिटाजोलामाइड, जो कि वहाँ ऊपर पीसीटी के पास देखिए नंबर वन लिखा हुआ है, एसिटाजोलामाइड जो है यहाँ पर एक्ट कर रही है। दूसरी ड्रग जो है सेकंड आपको दिखाई दे रही है डिसेंडिंग लूप के ऊपर एक्ट कर रही है, कौन सी, ऑस्मोटिक डायूरेटिक जैसे मैनिटॉल। तीसरी लूप डायूरेटिक्स जैसे फ्यूरोसेमाइड, जो कि यहाँ थर्ड असेंडिंग लूप पर एक्ट कर रही है। फोर्थ थायाजिड जो है वो एक्ट कर रही है डिस्टल लूप जहाँ स्टार्ट हो रही है उसकी अर्ली फेज के अंदर, अर्ली साइट के ऊपर थायाजिड। पोटेशियम स्पेयरिंग जो है वो एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो लेट डिस्टल लूप है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वहाँ पर, तो कौन कौन से ड्रग कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे एक्ट करी बहुत अच्छे से डायग्राम में नंबरिंग के साथ बताया हुआ है, तो इसको आप खुद से देखिए आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ मैंने सारे ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और ये ड्रग्स कहाँ पर एक्ट करी यहाँ नंबरिंग दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब सबसे पहले जो मैंने कहा इंडिविजुअल को अपन पढ़ेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर,
कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के बारे में देखिए। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया गया है कि कैसे ये अपना एक्शन कर रही है। देखिए, सबसे पहले अपन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, उससे पहले इसके बारे में देखिए इसमें कौन सी ड्रग्स आ रही होती है। एसिटाजोलामाइड जैसी ड्रग इसके अंदर आ रही है। इसका मेन साइट ऑफ एक्शन क्या है, नेफ्रॉन का पीसीटी पार्ट के ऊपर ये एक्ट कर रही होती है। ये इनहिबिट कर देती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को, सीए एंजाइम को ये इनहिबिट कर देती है, इसीलिए इसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। कहाँ पर होता है ये एंजाइम, रिनल ट्यूबुलर सेल्स के अंदर होता है, जिससे कि सोडियम और बाइकार्बोनेट और वाटर का एक्सक्रीशन होगा और इसकी वजह से यूरिन जो होता है वो एल्कलाइन बन जाता है। तो एसिटाजोलामाइड क्या कर रही है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही है और सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर के एक्सक्रीशन को प्रमोट कर रही है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये बाईकार्बोन CO2 और वाटर जो है डिफ्यूज़ होता है ट्यूबुलर सेल के अंदर, जहाँ पर बाइकार्बोनेट बनता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। ये कार्बोनिक एसिड अब डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट के अंदर। ऊपर H2CO3 तो कार्बोनिक एसिड है, वो किससे बना, CO2 और वाटर जब आपस में जुड़े थे ट्यूबुलर सेल के अंदर तब तो कार्बोनिक एसिड बना, और कार्बोनिक एसिड बाद में टूटेगा एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में। अब जो सोडियम आयन है वो ल्यूमिनल सोडियम के साथ में एक्सचेंज हो जाता है, ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन कंबाइन होएगा बाइकार्बोनेट के सामने साथ में, और वापस क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। ये जो पूरा मैकेनिज्म मैं बोल करके बता रही हूँ ये आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आपने एसिड बेस बैलेंस पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, वहाँ पर ये चीज़ डिटेल में आप लोगों को बताई गई थी विद डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम के साथ नहीं बताई गई, लैंग्वेज के साथ में बताई गई है कि CO2 वाटर मिलेंगे कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस एसिड को तोड़ेगा तो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट बन जाएंगे, हाइड्रोजन फिर सोडियम के साथ में एक्सचेंज होगा और वापस बाइकार्बोनेट के साथ में जुड़ जाएगा और वापस कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, फिर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा CO2 और वाटर के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। लगभग ब्रश बॉर्डर के आसपास ये मैकेनिज्म चलती है। मेन साइट ऑफ एक्शन जो है वो एसिटाजोलामाइड का होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसके अंदर अपन कौन सी ड्रग पढ़ेंगे, एसिटाजोलामाइड नाम की ड्रग पढ़ेंगे। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होती है और इस ड्रग की मेन साइट होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर ये एक्ट करती है। इसके अलावा ये कलेक्टिंग डक्ट पर भी एक्ट करती है। एसिटाजोलामाइड जो है वो इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज को, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, रोक देगी, जिससे कि सोडियम आयन बनेगा नहीं, हाइड्रोजन आयन बनेगा नहीं। हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा तो सोडियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो सोडियम एक्सक्रीट होने लग जाएगा बाइकार्बोनेट के साथ में यूरिन में। अब यूरिन में बाइकार्बोनेट निकल रहा है तो यूरिन कैसा बन जाएगा, एल्केलाइन। अब डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सोडियम और पोटेशियम का जो एक्सचेंज है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, जिससे कि पोटेशियम का लॉस भी होने लग जाता है। नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, सोडियम का, पोटेशियम का और बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है यूरिन के अंदर, जिससे यूरिन कैसा बन जाता है, एल्केलाइन नेचर का बन जाता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एसिटाजोलामाइड पीसीटी के ऊपर एक्ट करती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को रोक देती है रिनल ट्यूबुलर सेल्स में, जिससे कि सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर का एक्सक्रीशन होता है, यूरिन जो है वो एल्केलाइन बन जाता है। अब वो जो हम बता रहे थे ना, मैंने आपको बोला कि आपने ये पढ़ा होगा मैकेनिज्म, यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ है, वाटर और CO2 जुड़े, नीचे से देखना स्टार्ट करिए, नीचे से ऊपर तक देखिएगा, वाटर और CO2 जुड़े, कार्बोनिक एसिड बनी, फिर कार्बोनिक एसिड टूटी हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट के अंदर, फिर वापस निकलेंगे ये, बाइकार्बोनेट ब्लड में चला गया, हाइड्रोजन जो है वो यूरिन के साथ में जा रहा है, तो ये ऐसे पूरा एक्सचेंज लगातार लगातार जो है वो चलता रहता है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट का लॉस होता है, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस पर्सन में हो जाता है, टॉलरेंस 2-3 दिन के बाद डेवलप हो जाता है। बस अब ये CAI जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, इसका यूज़ अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो एसिटाजोलामाइड जो है वो डायूरेटिक के रूप में यूज़ नहीं की जाती है, क्योंकि इसकी एफिकेसी काफ़ी कम होती है।
तो इसको हम यूज़ करते हैं, एक तो ग्लूकोमा में, डायूरेटिक में यूज़ नहीं कर रहे, किस कंडीशन में, ग्लूकोमा में। एल्कलाइन यूरिन अगर अपने को बनाना है एसिडिक से, भाई कोई एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग हो गई थी किसी पर्सन ने, ऐसे एसिडिक ड्रग खा ली जिसे पॉइजनिंग हो गई, तो उस केस में हमारे को उस एसिडिक को, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो अपन तब ये CI दे सकते हैं, एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं, या मिसिलिनियस केसेस के अंदर दे सकते हैं। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो है वो डिक्रीज कर देता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को, क्योंकि एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन ये रोक देता है। तो एक्वस ह्यूमर रुकते ही IOP कम हो जाएगा, IOP कम हो जाते ही आराम मिल जाएगा। एसिटाजोलामाइड को अपन एक्यूट कंजेसिव ग्लूकोमा में भी दे सकते हैं, चाहे ओरल रूट से दीजिए, चाहे IV रूट से दीजिए, या टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर भी आप दे सकते हैं। ब्रिंजोलामाइड, डॉर्जोलामाइड भी यूज़ कर सकते हैं क्रॉनिक सिंपल ग्लूकोमा के केस के अंदर। अब दूसरा, टू एल्कलाइज यूरिन इन एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग, किसी को एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग हो गई तब भी उसको एल्कलाइज करने के लिए अपन CAI देते हैं। तीसरा, एक्यूट माउंटेन सिकनेस अगर किसी को हो रही है तो सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए भी अपन एसिटाजोलामाइड देते हैं। ये बेनिफिशियल इफ़ेक्ट दिखाती है क्योंकि ये pH को कम कर देती है और CSF के फॉर्मेशन में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। फोर्थ, इसका मिसिलिनियस यूज़ होता है एडजुवेंट के रूप में, अपन एपिलेप्सी में दे सकते हैं, किसी को एपिलेप्सी हो गई, दौरे पड़ रहे हैं, तो एडजुवेंट के रूप में ये दवाई दी जाती है, या किसी को पीरियोडिक पैरालिसिस होता रहता है, समय समय पर पैरालिसिस के अटैक आते रहते हैं, या मेटाबॉलिक एल्केलोसिस को ठीक करने के लिए भी दवाई दे सकते हो, रिजल्टिंग फ्रॉम यूज़ ऑफ डायुरेटिक्स इन द कंजेसिव हार्ट फेलियर। कंजेसिव हार्ट फेलियर में डायुरेटिक्स के यूज़ की वजह से जो ये मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हुआ है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी अपन दे सकते हैं। तो ये CAI के यूज़ हैं। यूजेस के बाद अपन एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ लेते हैं। भाई CIE के एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है इस ड्रग की वजह से, जिसको अपन एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। स्किन पे रैशेस बन जाते हैं, पर्सन को बुखार चढ़ने लग जाता है, ड्रॉसीनेस हो जाता है, पैरेस्थीसिया जैसी कंडीशन उसके अंदर डेवलप हो जाती है, हाइपोकैलीमिया हो जाता है, क्योंकि हमने कहा ना भाई सोडियम पोटेशियम इतने सारे आयंस निकल रहे हैं बॉडी से बाहर, तो इनकी कमी आ जाएगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक तो एल्केलोसिस को तो ट्रीट करने में अपन ने दी थी, तो अब वो एल्कली जब यूरिन में निकल रहा है तो फिर बॉडी में, क्योंकि हाइड्रोजन आयन भी तो ब्लड में जा रहा था, वहाँ पर अपन ने पढ़ा था ना डायग्राम के अंदर, तो हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस बढ़ते मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, हेडेक रहने लगता है पर्सन को, और रीनल स्टोन बनने के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा टिंगलिंग हो जाता है हैंड्स में और फीट में, नंबनेस दिखाई दे रही होती है, तो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल रही होती है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, लिवर डिजीज़ और COPD में नहीं देना चाहिए CAI को। लिवर डिजीज़ में हिपैटिक कोमा जो है मे बी प्रेसिपिटेटेड इन द पेशेंट विद सिरोसिस। अगर सिरोसिस किसी को हुआ हुआ और आपने ये दवाई दे दी तो पर्सन हिपैटिक कोमा में चला जाएगा, क्योंकि अमोनिया का एक्सक्रीशन बहुत कम हो रहा है और एल्कलाइन यूरिन की वजह से अमोनिया का एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा होता है, तो जिससे अमोनिया जो होती है, अमोनिया बारे में आपको बता दूं कि अमोनिया एक न्यूरोलॉजिकल अपना इफेक्ट दिखा रही होती है, ये काफ़ी डेंजरस, काफ़ी टॉक्सिक है, या आप कहिए ये न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड होता है अमोनिया, जो अगर हमारी बॉडी में बना रहा तो न्यूरोटॉक्सिटी कॉज कर देगा, इसीलिए पर्सन हिपैटिक कोमा में चला जाता है। दूसरा, इसको COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बिगड़ जाता है उन पेशेंट्स में जिनको COPD और आप CAI दे रहे हो, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस ज़्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करवा रहा है, COPD में ऐसा होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, और साथ में इस दवाई से भी हो रहा है, तो वो ज़्यादा बिगड़ जाएगी कंडीशन। ख़त्म, इसके साथ में CAI आपका कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा अपन लूप डायूरेटिक्स देखें, जिसको अपन हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं। लूप डायूरेटिक्स के अंदर भाई क्या आएगा, हमने पढ़ा था लूप डायूरेटिक्स के अंदर फ्यूरोसेमाइड, ब्यूटामेटानिड, ये सारी ड्रग्स अपन ने पढ़ी थी अभी लूप डायूरेटिक्स के अंदर। तो देखिए, लूप डायूरेटिक्स के अंदर जिसको अपन हाई सीलिंग डायूरेटिक्स कह रहे हैं, इसके मैकेनिज्म पढ़ें, उससे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले देखिए, या चलिए यही देख लीजिए सीधा। द साइट ऑफ एक्शन ऑफ दीज डायूरेटिक्स इज मेनली
इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दैट इज साइट टू. मैंने स्टार्टिंग का जो डायग्राम वगैरह बताया था वहाँ पे लिख रखी थी साइट वन साइट टू कौन कौन सी होती हैं. ये इनहिबिट कर देती हैं, इस लैंग्वेज को ही देख लो इसमें जो आपके लिखा हुआ है कि साइट ऑफ एक्शन क्या है, लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब है. लूप डायूरेटिक्स जो है वो ल्यूमिनल साइड पे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वगैरह के साथ में बाइंड हो जाती है और को ट्रांसपोर्टर और का वर्क कर रही होती है और साथ में इन फंक्शंस को ब्लॉक कर देती है. को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती है और को ट्रांसपोर्टर का वर्क करती है और इन फंक्शंस को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड का एक्सक्रीशन यूरिन में बढ़ जाता है. ट्यूबुलर फ्लूड जो है वो DCT के अंदर पहुँचना स्टार्ट करता है, जिसमें लार्ज अमाउंट में सोडियम होता है. लार्ज अमाउंट में ही है ना, क्योंकि ये एक्सक्रीशन करवा रहा है तो फिर सोडियम जो है वो DCT के अंदर पहुँचेगा, इसलिए ज़्यादा सोडियम का एक्सचेंज हो रहा होता है, पोटेशियम का लॉस हो रहा होता है. हेंस मोर सोडियम एक्सचेंजेस विद पोटेशियम लॉस. तो ज़्यादा एक्सचेंज की वजह से यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा होता है. बस एक बार इतना ही. वापस से देखिए, हमने कहा मेन साइट जो है वो थिक असेंडिंग लूप है, ये इनहिबिट कर देती है सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड के रीअब्सॉर्प्शन को, यानी वो एक्सक्रीट होने लग जाएंगे हमारे यूरिन में. लूप डायूरेटिक्स क्या करती है, सोडियम को पोटेशियम और क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब नहीं होने देती, जिससे कि डायूरेसिस हो जाता है, पर्सन में यूरिन ज़्यादा बन रहा होता है. लूप डायूरेटिक्स रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं GIT में, अगर हमने उसको ओरली दिया है तो. इसके अलावा ओरल के अलावा हम इसको IM और IV रूट से भी दे सकते हैं, इंट्रा मस्कुलर और इंट्रा वेस्क्यूलर. इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसमें पहले जो फ्यूरसेमाइड आ रही थी जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लगभग 2 से 3 घंटे तक ये अपना असर दिखा रही होती है. तो लूप डायूरेटिक्स जब आप देंगे तो वो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को का को ट्रांसपोर्टर की तरह वर्क करती है, इनहिबिट सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, और ये प्रमोट करती है सोडियम और क्लोराइड के एक्सक्रीशन को यूरिन के अंदर. सोडियम क्लोराइड का यूरिन में ये एक्सक्रीशन करवा रही होती है. थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई बात नहीं, आप मैनेज करिए. तब तक आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए, इसमें दिया हुआ है. देखिए, फ्यूरोसेमाइड जो है एक वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये एक्टिविटी को रोक देती है. इसकी एक्टिविटी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटिंग एक्टिविटी के लिए ये वीक ड्रग है, और ये बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन बढ़ा देती है. इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन भी बढ़ा देती है. लूप डायूरेटिक्स को अपन हाई सीलिंग डायूरेटिक्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफिकेशियस होती है और मैक्सिमल सोडियम का एक्सक्रीशन करने की इसमें कैपेसिटी होती है थायाजिड के कंपैरिजन में और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के कंपैरिजन में. अब लूप डायूरेटिक्स रैपिडली एब्जॉर्ब होती है GIT के अंदर, फ्यूरसेमाइड और ब्यूमेटाडिन जो है अगर आप ओरली देंगे, IV देंगे और IM रूट से, 3 रूट से आप दे सकते हैं. टॉर्सेमाइड जो है वो केवल ओरली ही दिया जाता है. फ्यूरसेमाइड का रैपिड एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड है, 2 से 5 मिनट के अंदर ये अपना असर दिखा देगी. IV देंगे तब 2 से 5 मिनट में ये अपना असर दिखा देती है. IM देंगे तो 10 से 20 मिनट लग जाते हैं, और अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन लग देते हैं तो आधे घंटे से पौन घंटा लग जाता है इसका असर शुरू होने में. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है इसका छोटा होता है, यानी 2 से 4 घंटे का शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका देखने को मिल रहा होता है फ्यूरसेमाइड का. अब यूजेस वगैरह देख लेते हैं थोड़े. यूजेस से पहले भाई यही वाली वो साइट दिखा दी, PCT ट्यूबुलर फ्लूड जो है, डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब. देखो डिसेंडिंग लिम्ब के साथ में केवल वाटर जुड़ा हुआ है, जबकि असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम अमोनिया ये सारे के सारे चेंज एक्सचेंज हो रहे होते हैं. हाइड्रोजन और पोटेशियम डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर कैल्शियम सोडियम क्लोराइड वाटर का यहाँ पर एक्सचेंज चल रहा है. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भी यही आयंस हैं, वो सारा बताया गया है. जबकि PCT के अंदर सोडियम क्लोराइड पोटेशियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर ग्लूकोज अमीनो एसिड्स विटामिंस यूरिया कोलीन इन सब का एक्सचेंज चल रहा होता है. थेरेपेटिक यूजेस देखिए, कहाँ कहाँ पर कब कब कैसे दिया जा सकता है. तो देखो, सबसे पहले ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ रीनल हेपेटिक एंड कार्डियो एडिमा, किसी पर्सन को एडिमा हो गया, चाहे रीनल में हुआ हो, चाहे हेपेटिक पार्ट में, चाहे कार्डियो पार्ट में. एडिमा के साथ वैसे भी ये 3 ही साइट्स जुड़ी हुई होती हैं, ये याद कर लीजिए, पैथोलॉजी में पढ़ाऊंगी आपको. कार्डियक जुड़ा हुआ है, हेपेटिक जुड़ा हुआ है, रीनल जुड़ा हुआ होता है एडिमा के साथ. एडिमा क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड.
तो ये एडिमा अगर कहीं पर भी हो रहा है तो उसकी इनिशियल स्टेज के दौरान आप इस ड्रग को यूज़ कर सकते हो। लूप डायरेटिक्स काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इंट्रावीनस फ्यूरसामाइड यूज़ कर सकते हो अगर किसी को हाइपर कैल्शीमिया हो गया है, तो ये कैल्शियम को यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट करवा देता है। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा अगर एक्यूट स्टेज में है तब भी अपन लूप डायरेटिक्स दे सकते हैं आईवी के द्वारा। इसके अलावा लूप डायरेटिक्स सेरेब्रल एडिमा में भी आप दे सकते हो, तो इंट्रावीनस मैनिटॉल अपन ज़्यादा प्रेफर करते हैं पर देने में, हालांकि लूप डायरेटिक्स दे सकते हैं पर इंट्रावीनस मैनिटॉल ज़्यादा यूज़फुल है। या फिर कोई वॉल्यूम ओवरलोड हो गया है उसको रोकने के लिए भी फ्यूरसामाइड जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान दी जाती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं बोल के बता रही हूँ कि फिफ्थ यूज़ क्या है इसका, टू प्रिवेंट वॉल्यूम ओवरलोड। फ्यूरसामाइड इज़ एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान देते हैं। और मैंने क्या कहा, पल्मोनरी एडिमा को ठीक करने के लिए भी देते हैं, तो पल्मोनरी एडिमा को ठीक करने के लिए कैसे दे रहे हैं वो यहाँ मैकेनिज्म बताया गया, आप देखिए। इंट्रावीनसली अगर आप फ्यूरसामाइड को दे रहे हैं, आईवी फ्यूरसामाइड दी, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है जिससे कि रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। रीनल ब्लड फ्लो बढ़ते ही सिस्टमिक वीनस कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ब्लड सेंट्रल पल्मोनरी सिस्टम से सिस्टमिक वेसल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कि प्रोड्यूस क्विक रिलीफ फ्रॉम पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा एकदम से राहत मिल जाएगी आप अगर आईवी फ्यूरसामाइड देते हैं तो पल्मोनरी एडिमा में कैसे वर्क करता है, फ्यूरसामाइड प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा जिसकी वजह से सिस्टमिक वीनस कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ब्लड जो है सेंट्रल पल्मोनरी से शिफ्ट होकर के सिस्टमिक वेसल में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाता है, तुरंत आराम मिल जाता है पल्मोनरी एडिमा में इस मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब फ्यूरसामाइड के एक्शन की वजह से पल्मोनरी एडिमा में एकदम राहत मिल जाएगी पर्सन को। इसके अलावा ये हाइपरटेंशन में भी दी जा सकती है फ्यूरसामाइड भाई। पहला तो मैंने कहा एडिमा के अंदर दे सकते हो, दूसरा हाइपर कैल्शीमिया किसी को हो गया, स्टोन बन गया, तो ये ड्रग चढ़ा दो सीधा वो यूरिन में निकल जाएगा जो कैल्शियम का स्टोन है, पल्मोनरी एडिमा में दे सकते हो। लूप डायूरेटिक्स का यूज़ अपन सेरेब्रल एडिमा में कर सकते हैं, ओवरलोड वॉल्यूम को रोकने के लिए कर सकते हैं, और लास्ट हाइपर टेंशन में भी अपन दे सकते हैं भाई। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स मैंने बोले वो लिखे हुए हैं, देख लीजिए। हाइपर टेंशन में लूप डायरेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, हाइपरटेंशन अगर CCF के साथ में क्रॉनिक जैसे कार्डियक फेलियर या रीनल फेलियर से जुड़ा हुआ है, या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आ गई है, तब भी अपन लूप डायरेटिक्स दे सकते हैं। फ्यूरोसेमाइड जो है वो कभी भी अनकॉम्प्लिकेटेड प्राइमरी हाइपरटेंशन में नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, तो अनकॉम्प्लिकेटेड में अपन नहीं देते हैं। लूप डायरेटिक्स का यूज़ अपन माइल्ड हाइपर कैलीमिया में भी दे सकते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं। यूजेस के बाद अपन इसके एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे। एडवर्स इफेक्ट में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के ये कॉज करते हैं, जैसे हाइपोकैलीमिया हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, हाइपोकैल्शीमिया, हाइपोमैग्नीशीमिया, ये सारी बीमारियाँ हो जाती है। इसके अलावा ये ऑटोटॉक्सिटी कॉज करता है और हाइपरसेंसिटिविटी कॉज कर देता है, हाइपरसेंसिटिविटी और ऑटोटॉक्सिटी, ऑटोटॉक्सिटी मतलब कान की प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्टर्बेंस कॉज करेगा, ये इसका सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट है जो लूप डायरेटिक्स में देखा जाता है। इसमें हाइपोकैलीमिया हो जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है जिसकी वजह से पर्सन में थकावट रहने लगेगी, मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, कार्डियक एरिदमिया हो जाता है, रिदम बिगड़ जाएगी हार्ट की, स्पेशली डिजिटलिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। हाइपोकैलीमिया को अपन रोक सकते हैं अगर लूप डायूरेटिक्स के साथ में पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक दे रहे हैं, तो इसके कॉम्बिनेशन से अपन हाइपोकैलीमिया को रोक सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम सप्लीमेंट दे दीजिए तो हाइपोकैलीमिया रुक जाएगा, पोटेशियम सप्लीमेंट, क्योंकि हाइपोकैलीमिया में क्या है, पोटेशियम की कमी आ रही होती है, तो पोटेशियम सप्लीमेंट दे दीजिए डायूरेटिक अगर किसी को दे रहे हैं आप। तो
लूप डायुरेटिक्स अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप साथ में पोटेशियम सप्लीमेंट दे दीजिए। दूसरा, ये हाइपोनेट्रीमिया कॉज कर देता है, यानी सोडियम का डिप्लीशन, सोडियम कम हो जाएगा बॉडी में अगर आपने ओवर यूज़ किया है लूप डायुरेटिक्स का। तीसरा, हाइपोकैलेमिया मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कॉज हो जाता है, क्योंकि बहुत कम पोटेशियम अवेलेबल है सोडियम के साथ एक्सचेंज होने के लिए डीसीटी में, तो ज़्यादा सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा जिससे कि हाइड्रोजन लॉस होने लग जाता है और हाइपोकैलेमिक एल्केलोसिस, क्योंकि हाइड्रोजन लॉस होगा इसका मतलब एसिडिक एनवायरमेंट ख़त्म होने लग जाएगा और एल्कली एनवायरमेंट हमारे ब्लड के अंदर हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, तो हाइपोकैलेमिक एल्केलोसिस यानी पोटेशियम की कमी की वजह से एल्केलोसिस हो रहा है उसको हाइपोकैलेमिक एल्केलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है क्योंकि यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम का लगातार बढ़ रहा होता है, तो कैल्शियम भी ख़त्म हो रहा है, मैग्नीशियम भी ख़त्म हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाएगा। उसके बाद मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंसेस में और भी कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया भी कॉज हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया में इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाने की वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन कम है तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा। दूसरा, हाइपरयूरिसीमिया में क्या हो जाता है, ये जो ड्रग्स हैं वो रीनल यूरिक एसिड को रीनल में एक्सक्रीट नहीं होने देती है, कम एक्सक्रीट होने देती है, तो ऐसे पर्सन में यूरिक एसिड का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगा और यूरिक एसिड का अमाउंट ब्लड में बढ़ने से वो हमारे जॉइंट्स के अंदर जाकर के इकट्ठी हो जाती है, तो गाउट का अटैक आ सकता है, गठिया रोग हो जाएगा। तीसरा है हाइपरलिपिडीमिया, क्योंकि प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो प्लाज्मा में बढ़ जाता है जिससे कि पर्सन में हाइपरलिपिडीमिया हो जाते हैं, तो ये भी मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स हैं। तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस में तो हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया, और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के अंदर सब चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, पहले वाले में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में कम हो रही थी, हाइपो था, और मेटाबॉलिक में सब चीज़ें ज़्यादा हो रही, यानी हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया। नेक्स्ट, ये ऑटोटॉक्सिटी कॉज करता है जिसमें पर्सन बहरापन आ सकता है, चक्कर आने लग जाते, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि भाई हमारे कान के दो मेन फंक्शन है, एक तो हियरिंग और दूसरा हमारी बॉडी का बैलेंस, बैलेंस बिगड़ते ही वर्टिगो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे और कान में अगर सुनाई नहीं दे रहा तो डेफनेस कॉज हो जाएगी और टिनाइटस घंटियों की ध्वनि कान में सुनाई देगी, घंटियाँ बजने लग जाती है। ये सिम्टम्स जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक हो जाते हैं जब अपन इसकी थेरेपी को, ये जो डायुरेटिक्स थेरेपी को बंद कर दोगे तो सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऑटोटॉक्सिटी का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है उन पेशेंट्स में जिनमें रीनल इम्पेयरमेंट भी है, अगर किडनी उनकी सही फंक्शन नहीं करे तो ये सिम्टम्स और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, या फिर जो ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहे हैं उनमें भी ऐसा हो जाएगा, जैसे साइक्लोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स वगैरह ड्रग्स ले रहे हैं तब भी ऑटोटॉक्सिटी होने का खतरा बढ़ जाता है। लास्ट, हाइपर सेंसिटिविटी, यानी क्या हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन, जैसे स्किन पे रैशेज हो जाएंगे, इयोसिनोफिलिया, इयोसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है और फोटो सेंसिटिविटी भी पर्सन के अंदर देखी जा रही होती है, लाइट की वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाती है। अब ड्रग इंटरैक्शन देखिए भाई, कौन कौन सी ड्रग इंटरेक्ट कर रही है, तो फिरसेमाइड डाइजॉक्सिन के साथ में, फिरसेमाइड अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ में, NSAID नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, लीथियम और अमाइलोराइड के साथ में ये इंटरेक्शन कर रही होती हैं। तो ये हमने इंटरेक्शन देखा कि ये किस किस के साथ में इंटरेक्शन कर रही हैं ड्रग्स। अब इसके बाद नेक्स्ट ड्रग हम पढ़ रहे हैं थायाजिड। थायाजिड क्या है, थायाजिड इनिबिट सोडियम क्लोरीन रीअब्जॉर्प्शन इन अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल, देयर बाय इंक्रीज सोडियम एंड क्लोराइड एक्सक्रीशन। थायाजिड्स आर एडमिनिस्टर्ड ओरली, दे हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन फ्लोरसेमाइड एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो देखिए, थायाजिड जैसे डायरोटिक्स के अंदर पहला हमने यहाँ पर लिखा है क्लोरथैलिडोन, इसको ये फ्रीक्वेंटली यूज थायाजिड है। थायाजिड जैसा डायरोटिक्स है जो हाइपरटेंशन में दिया जाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका होता है, इंडापामाइड और मेटोलाजोन भी जो है वो ज़्यादा पोटेंट है, लॉन्गर एक्टिंग होते हैं, थोड़े बहुत इसके बुरे प्रभाव भी होते हैं थायाजिड के कंपैरिजन में, और हाइपरटेंशन में इनका यूज़ किया जा रहा होता है। तो ये थायाजिड जैसे डायरोटिक्स हैं, और ये जो ड्रग इंटरेक्शन अपन ने इससे पहले पढ़ा था, तो ड्रग इंटरेक्शंस में अपन फ्यूरोसेमाइड के साथ में थायाजिड
फिर से माइंड या थायाजिड को भी डाइजॉक्सिन के साथ में दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? हाइपोकैलेमिक पेशेंट के अंदर। तो डाइजॉक्सिन टॉक्सिटी उन पेशेंट्स में हो जाती है जो कि डाइजॉक्सिन ले रहे होते हैं। अब फ्यूरसामाइड अमाइनोग्लाइकोसाइड से, यहाँ जो कॉम्बिनेशन, एक बार मैं बता दूँ उस कॉम्बिनेशन के बारे में कि फ्यूरसामाइड को डाइजॉक्सिन के साथ में दिया जा रहा होता है। दीज डायरेटिक्स कॉज हाइपोकैलेमिया लीडिंग टू डाइजॉक्सिन टॉक्सिटी इन पेशेंट्स ऑन डाइजॉक्सिन। जो पेशेंट डाइजॉक्सिन पर है उनके अंदर डाइजॉक्सिन टॉक्सिटी हो जाती है अगर ऐसा अपन कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो। फ्यूरसामाइड को अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ में देते हैं तो क्या है, ये दोनों ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं और ये टॉक्सिटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे अगर इन दोनों को साथ में दे रहे हैं तो। नहीं देनी चाहिए अपन को ये भी साथ में। अगर अपन NSAID के साथ में दे रहे हैं फ्यूरसामाइड या थायाजिड को, तो क्रॉनिक यूज़ अगर आप NSAID का कर रहे हैं तो उससे सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगता है और एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट जो है वो लूप डायुरेटिक का कम हो जाएगा। और अगर अपन अमाइलोराइड के साथ में दे रहे हैं तो ये हाइपोकैलेमिया कॉज करता है। अमाइलोराइड जो है वो पोटेशियम को कंजर्व करता है इस वजह से। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो प्लाज्मा पोटेशियम लेवल को अल्टर कर देगा और डायुरेटिक के रिस्पॉन्स को बढ़ा देगा। अब थायाजिड लाइक डायुरेटिक्स हमने पढ़ ली, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें कि भाई ये थायाजिड जो है वो कैसे एक्शन कर रही है। तो मैंने आपको बताया भाई थायाजिड जो है वो इनहिबिट कर देती है सोडियम क्लोराइड के सिंपोर्ट को अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर और सोडियम क्लोरीन का एक्सक्रीशन बढ़ा देती है, जिससे कि सोडियम की डिलीवरी बढ़ जाती है लेट डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर और इंक्रीज एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, पोटेशियम लॉस होने लग जाता है। कुछ थायाजिड जो है वो वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटरी एक्शन रखते हैं और बाइकार्बोनेट के लॉस को बढ़ा देते हैं और नेट लॉस सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट का यूरिन में होने लग जाता है। दूसरे डायुरेटिक्स की तरह थायाजिड जो है वो कैल्शियम एक्सक्रीशन को डिक्रीज नहीं कर रही होती है, मतलब लूप डायुरेटिक्स नहीं कर रही होती पर ये डिक्रीज करती है कैल्शियम के एक्सक्रीशन को, तो ये इसका वर्क है। तो थायाजिड क्या करती है, सोडियम क्लोराइड के रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करती है और सोडियम क्लोराइड का यूरिन में एक्सक्रीशन प्रमोट कर देती है। अब इसका फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो थायाजिड को अपन को ओरली देना चाहिए तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दिखाता है और यूरिन में ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये लाइंस मैंने सारी पहले ही बोल दी थी, अभी दोबारा मैंने रिपीट कर दी। अब यूजेस देखें भाई थायाजिड के, हाइपरटेंशन, कंजेसिव कार्डियक फेलियर, हाइपरकैल्सियूरिया और डायबिटीज इंसिपिडस में अपन देते हैं। कैल्सी यूरिया या कैल्सीमिया कुछ भी कह लीजिए आप। हाइपरटेंशन में थायाजिड जो है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। हार्ट फेलियर के अंदर थायाजिड का यूज़ जो है वो माइल्ड से लेकर मॉडरेट केसेस में, जो हार्ट फेलियर के माइल्ड से मॉडरेट केसेस है उनमें किया जाता है। हाइपरकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सी यूरिया किसी को हो गया हो तो कैल्शियम का नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस क्या है भाई, नेफ्रॉन के अंदर स्टोन का बनना, कैल्शियम के स्टोन का नेफ्रॉन्स में बनना नेफ्रोलिथियासिस कहलाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिनरी एक्सक्रीशन कम हो जाता है कैल्शियम का, यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा होता है तो हाइपरकैल्सीमिया कॉज हो जाता है। उसमें भी अपन ये दवाई दे सकते हैं और लास्ट डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर भी अपन थायाजिड को दे सकते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है भाई, थायाजिड से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाता है, इम्पोटेंसी कॉज कर देती है मेल के अंदर और भी कई डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा कि थायाजिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि ये लूप, अगर अपन लूप डायरेटिक्स के साथ में थायाजिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस देता है जैसे हाइपोकैलेमिया कॉज कर देगा, हाइपोनेट्रीमा, हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज कर देता है, मतलब सभी आयंस के अमाउंट को बॉडी में कम कर देगा। इसके अलावा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस भी ये कॉज कर देता है पर ये कैल्शियम को बढ़ा देता है, ये ध्यान रखिएगा, हाइपरकैल्सीमिया। बाकी सबको ये कम कर रहा था, पोटेशियम को, सोडियम को, सबको इसने कम किया था पर कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी कम किया था, सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम को कम करता है पर कैल्शियम को ये बढ़ा देता है, तो ये एडवर्स इफेक्ट है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे अपन ने लूप डायुरेटिक्स में पढ़े थे, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, लिपिड बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। इसके अलावा यंग मेल के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव जो है ये थायाजिड के रूप में नहीं दी जाती, थायाजिड एंटी हाइपरटेंसिव में काम में नहीं लेते क्योंकि ये इम्पोटेंसी कॉज कर देता है।
इसलिए नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा ये फोटो सेंसिटिविटी और स्किन रैशेस भी कॉज करता है। जीआईटी डिस्टर्बेंस जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया भी इसकी वजह से हो जाता है। जीआईटी का डिस्टर्बेंस नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया कॉज कर देता है। ये एडवर्स इफेक्ट हैं। अब दूसरी कैटेगरी अपन पढ़ लेते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का नाम अपन बार बार आ रहा था इसका नाम, इसको अपन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, स्पायरोनोलैक्टोन भी कहते हैं, ये इसके नाम है स्पायरोनोलैक्टोन, जिसको एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, या ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है। स्पायरोनोलैक्टोन एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, ये एक सिंथेटिक स्टीरॉयड है। सिंथेटिक स्टीरॉयड का मतलब होता है इसको अपन ने लैब में बनाया है। स्ट्रक्चरली ये एल्डोस्टेरोन के जैसा ही होता है। तो ये क्या करता है, स्पायरोनोलैक्टोन ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन इन द लेट डिस्टल ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट सेल्स। द नेट इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन इज टू रिटेन सोडियम एंड एक्सक्रीट पोटेशियम। सोडियम को ये रिटेन कर लेता है, पोटेशियम को ये एक्सक्रीट करता है, इसलिए स्पायरोनोलैक्टोन जो है वो सोडियम एक्सक्रीशन को प्रमोट करेगा, पोटेशियम के रिटेंशन को करवाएगा। स्पायरोनोलैक्टोन को अगर अपन एडमिनिस्टर्ड ओरली अपन कर सकते हैं, मतलब ये सही दवाई ओरली दी जाती है, मेनली क्या बल्कि ओरली ही अपन देते हैं। तो स्पायरोनोलैक्टोन क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट होता है, सोडियम के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है, पोटेशियम के रिटेंशन को प्रमोट करता है। तो यहाँ पर भी यही लाइनें आपके लिखी हुई हैं, एल्डोस्टेरोन जैसे ही सेल के अंदर एंटर करता है, ये जो स्पेसिफिक मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर MR रिसेप्टर हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, लेट डिस्टल ट्यूबुल के साइटोप्लाज्म में और कलेक्टिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर MR रिसेप्टर्स हैं जिनके ऊपर ये एल्डोस्टेरोन जो है वो बाइंड हो जाता है। अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जिस वजह से बन जाएगा, वो सेल के न्यूक्लियस में चला जाएगा, जहाँ पर ये इंड्यूस करता है एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन के सिंथेसिस को, AIP के सिंथेसिस को ये बढ़ाएगा। नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा AIP का, सोडियम का रिटेंशन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन ऐसा हमारी बॉडी में होने लग जाता है। स्पायरोनोलैक्टोन कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर देगी, देखो ऊपर वाला तो नेचुरल मैकेनिज्म है एल्डोस्टेरोन का, स्पायरोनोलैक्टोन क्या है एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है। अब एल्डोस्टेरोन क्या वर्क कर रहा था कि ये हमारे डिस्टल ट्यूबुलर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो रिसेप्टर उस पर बाइंड करेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस बाइंडिंग से कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में घुसेगा, ये AIP के सिंथेसिस को बढ़ा देगा, जिससे कि सोडियम का तो रिटेंशन होने लग जाता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन होने लग जाता है। ऐसे में अगर अपन स्पायरोनोलैक्टोन दें तो कॉम्पिटेटिवली बाइंड हो जाएगा और उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा और AIP को बनने नहीं देता, जिससे कि स्पायरोनोलैक्टोन पोटेशियम के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को चेंज कर देता है। कैसे चेंज कर देता है, सोडियम के एक्सक्रीशन को प्रमोट करेगा और पोटेशियम के रिटेंशन को प्रमोट करेगा। पोटेशियम का रिटेंशन लिख लीजिएगा, ये एक्सक्रीशन नहीं है, इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। स्पायरोनोलैक्टोन बहुत इफेक्टिव है जब सर्कुलेटिंग एल्डोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, तो अपन को स्पायरोनोलैक्टोन दवाई उसको देनी चाहिए ऐसे पर्सन को जिसमें एल्डोस्टेरोन का लेवल हाई है। इसके अलावा ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को भी बढ़ा देता है। यहाँ पर यही वाली मैकेनिज्म पूरी समझाई हुई है कि कैसे ये पूरा सिस्टम चल रहा है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। मैंने जो बोला है वही बातें यहाँ डायग्रामेटिकली बताई हुई है, मैं वापस रिपीट नहीं करी क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हमारे को आज में ही कंप्लीट करना है। अब इसका फार्माकोकाइनेटिक देखिए भाई, स्पायरोनोलैक्टोन का स्पायरोनोलैक्टोन जो है ओरली दिया जाता है, ये पार्टली एब्जॉर्ब होता है, हाईली बाउंड है ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में, बहुत ज़्यादा अच्छे से बाउंड हो जाता है, इसीलिए लंबे समय तक असर दिखाता है। एक्सटेंसिवली ये लीवर में मेटाबोलाइज्ड होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है, जैसे कैंड्रीनोनॉन इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, और इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है, तो ये देर तक अपना असर दिखाएगा। यूजेस एडिमेटस कंडीशन में दे सकते हो, एडिमेटस कंडीशन जैसे सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से अगर किसी के अंदर हुई हो, कब हो जाता है यह ऐसा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, कंजेसिव कार्डियक फेलियर में, हिपैटिक सिरोसिस के अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो जाती है। स्पायरोनोलैक्टोन अक्सर थायाजिड के साथ में भी दी जाती है, लूप डायूरेटिक्स के साथ में देते हैं पोटेशियम लॉस को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ना लूप डायूरेटिक्स में पोटेशियम लॉस ज़्यादा होने लग जाता है, तो हमें या तो पोटेशियम सप्लीमेंट्स देने चाहिए या फिर स्पायरोनोलैक्टोन अपन दे सकते हैं। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन किसी में हो, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से अगर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो रहा है, कौन सिंड्रोम जिसको अपन कहते हैं, तब भी अपन ये दवाई दे सकते हैं।
इसमें ड्रग का इंट्रैक्शन किसके साथ में, इस इनहिबिटर्स स्पाइनल लैक्टॉन के साथ में ये ड्रग इंट्रैक्शन करता है। तो डेंजरस है हाइपरकैलीमिया इसमें हो सकता है, अगर ये अपन ने इस तरह से दी तो हाइपरकैलीमिया हो सकता है। एप्लिरेनॉन और एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है जो कि सेलेक्टिवली मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के लिए सेलेक्टिव है, इसलिए हैंस इट इज लेस लाइकली टू कॉज गायनेकोमेस्टिया। तो इसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया भी थोड़े होने कम चांसेस। गायनेकोमेस्टिया एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये मेल में होने वाला डिसऑर्डर है जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया, हम यहाँ पर पहले तो क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको बता दूं कि गायनेकोमेस्टिया जो है वो एडवर्स इफेक्ट के रूप में देखा जा रहा होता है। भाई अगर ये स्पाइनल लैक्टॉन ज़्यादा आपने दे दिए तो इसके एडवर्स इफेक्ट में एक तो हाइपरकैलीमिया होगा जो अपन बार बार पढ़ रहे हैं, हाइपरकैलीमिया के अलावा मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस हो जाता है, गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, डिक्रीज लिबिडो और इम्पोटेंस कॉज कर देता है। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट मेल के अंदर देखने को मिलता है जस्ट लाइक फीमेल्स, ऐसा हो जाता है, वो गायनेकोमेस्टिया कंडीशन है। तो मेल के अंदर गायनेकोमेस्टिया, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस, हाइपरकैलीमिया दोनों के अंदर डिक्रीज लिबिडो, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाते हैं, डिक्रीज लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाना और इम्पोर्टेंस स्टेरिलिटी आ जाती है मेल के अंदर। खत्म, पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स खत्म आपके। दूसरा टॉपिक अपन पढ़ते हैं ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स, क्योंकि हमने जितनी भी कैटेगरी पढ़ी थी उसको अपन को देखना है। तो ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स के अंदर मैनिटॉल, ग्लिसरॉल, आइसोसॉर्बाइड आते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए भाई कि क्या है मैनिटॉल, इंट्रावीनसली दिया जाता है, इट इज़ neither metabolized इन द बॉडी nor reabsorbed फ्रॉम द renal tubules, ना तो ये बॉडी में metabolize होगा ना renal tubules से reabsorb होगा। ये pharmacologically inert होता है और ये glomeruli से filter हो जाता है। 20% mannitol अपन generally intravenously देते हैं, तो हमने कहा ना ये metabolize होगा ना reabsorb होगा, pharmacologically inert होता है, glomeruli से filter हो जाता है। ये ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम टिश्यूज बाय ऑस्मोटिक एक्शन, इसको ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने ऑस्मोटिक एक्शन, नीचे मैकेनिज्म एक्शन बताया हुआ है इसका कि ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स जो है ऑस्मोटिक एक्शन की वजह से टिश्यू से वाटर को निकाल देता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वाटर का एक्सक्रीशन ज़्यादा होएगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सक्रीशन ज़्यादा होने लग जाता है हमारी बॉडी से। इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, लूप ऑफ हेनले और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर ये अपना असर दिखा रहा होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए भाई, 20% मैनिटॉल आप आईवी दे रहे हैं तो ये प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी को बढ़ा देता है, फ्लूड जो वो आईसीएफ से ईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड के अंदर शिफ्ट हो जाता है, इस जिससे कि ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। भाई सेल के अंदर से निकल निकल कर बाहर आ जाता है तो सेल के बाहर क्या हो जाएगा, फ्लूड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे कि जीएफआर बढ़ जाएगी। तो मैनिटॉल जो है ग्लोमेरुलस से फ्री फिल्टर हो जाएगा और ट्यूबुलर फ्लूड की जो ऑस्मोलैलिटी है वो बढ़ जाएगी, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन रुक जाएगा, नेट इफेक्ट ये निकलेगा कि यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ज़्यादा यूरिन पास होता है और यूरिन के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन होने लग जाता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मैनिटॉल का। अब ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स का यूज़ देखिए भाई, मैनिटॉल का यूज़ करते हैं अगर किसी में एक्यूट रीनल शटडाउन हो गया है, शॉक की वजह से रीनल शटडाउन हो जाता है तो उसमें मैनिटॉल दे सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी में भी ऐसा हो जाता है, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूज़न में भी ऐसा हो जाता है तो अपन को मैनिटॉल देना चाहिए। मैनिटॉल का यूज़ अपन कर सकते हैं अगर इंट्राक्रेनियल टेंशन किसी का बढ़ गया है, आईसीटी बढ़ जाता है किसी के अंदर हेड इंजरी या ट्यूमर की वजह से, तो उसको कम करने के लिए मैनिटॉल अपन देते हैं क्योंकि ये ब्रेन से फ्लूड को निकालेगा और सर्कुलेशन में डाल देगा अपने ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से, तो आईसीटी अपने आप कम हो जाएगा, इंट्राक्रेनियल टेंशन कम हो जाएगा। इसके अलावा 20% आईवी देंगे अगर अपन मैनिटॉल का, या ग्लिसरॉल भी आप 50% दे सकते हैं ओरली, आइसोस्कॉर्बिक ओरल दे सकते हैं। इनका यूज जो है वो एलिवेटेड इंट्राओक्युलर प्रेशर को कम कर देता है, एक्यूट कंजेसिव ग्लूकोमा किसी को हुआ तो, ग्लूकोमा बार बार अपन ने पढ़ा है कि भाई आईओपी उसमें बढ़ जाता है क्योंकि आई से फ्लूड को निकाल देगा ऑस्मोटिक इफेक्ट के द्वारा, ब्लड में डाल देगा और जिससे आईओपी कम हो जाता है। ये ग्लिसरॉल का रोल है एक्चुअली, मैनिटॉल के बाद ये मैंने ग्लिसरॉल का रोल बताया है। अब एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं भाई,
बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा अगर आपने आईवी की क्वांटिटी दे दी है तो ईसीएफ का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और पल्मोनरी एडिमा कॉज हो जाएगा। इसके अलावा सरदर्द, नोज़िया, वॉमिटिंग होने लग जाते हैं पेशेंट को, और ग्लिसरॉल की वजह से हाइपर ग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाएगा। ये ग्लिसरॉल की वजह से होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, मैनिटॉल को कंजेसिव कार्डियक फेलियर में नहीं देना चाहिए, पल्मोनरी एडिमा में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो खुद फ्लूड का वॉल्यूम बढ़ा देता है और एडिमा कॉज करवा देता है, इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऑस्मोलैलिटी ईसीएफ कंपार्टमेंट में बढ़ने के कारण और हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, जिससे कि दस एग्रावेटिंग द अबव कंडीशन, ये जो ऊपर की कंडीशन सब एग्रावेट हो जाएंगी। दूसरे कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्रॉनिक एडिमा में नहीं देना चाहिए। एंड यूरिक रिनल डिसीज़ किसी को हो गई हो, रिनल डिसीज़ में यूरिया पास नहीं हो रहा होता, यूरिन पास नहीं हो रहा होता है, और एक्टिव इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग किसी में हो रही है, तो ये मेडिसिंस नहीं देनी चाहिए। ख़त्म आपका डायूरेटिक्स जैसा टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। लास्ट जो अपना टॉपिक बच रहा है दैट इज़ एंटी डायूरेटिक्स, और उसमें मेनली अपन वैसोप्रेसन ही काम में लेते हैं। वैसोप्रेसन इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन द सुपरा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वैसोप्रेसन, जिसको अपन ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ये हाइपोथैलेमस में बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड होता है। ADH आर्जिनिन वैसोप्रेसन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है, इसलिए ये ओरली इफ़ेक्टिव नहीं होता। इसको IV, IM, SC या इंट्रानेजल रूट से अपन देते हैं। इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इंट्रावेस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या इंट्रानेजल रूट से देना चाहिए। वैसोप्रेसन एनालॉग है डेस्मोप्रेसन, लाइप्रेसन और टर्लीप्रेसन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसका दिखाया गया है। आगे देख रहे हैं एनालॉग बताया हुआ, ठीक है, वो जो मैंने अभी नाम बोले थे वो आगे बताए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हाइपोथैलेमस में क्या करता है, ये हाइपर ऑस्मोलैलिटी आर्टेरियल रिसेप्टर फायरिंग को कम कर देगा, ऑस्मोलैलिटी को ज़्यादा करता है, हाइपर आर्टेरियल रिसेप्टर फायरिंग को कम कर देता है, एंजियोटेंसिन सेकंड और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज करवाएगा, हाइपोथैलेमस में बनेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये स्टोर होएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में गया, वहाँ से वैसोप्रेसन निकलेगा, तो ये ब्लड वेसल और किडनी पर अपना असर दिखाता है। क्या असर दिखाएगा ये? ब्लड वेसल पे ये कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, जिससे कि सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इंटर आर्टेरियल जो आर्टेरियल प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। किडनी पर फ्लूड का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इस ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से भी आर्टेरी पर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो वैसोप्रेसन की वजह से आर्टेरियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। एनालॉग मैंने बताया डेस्मोप्रेसन, लाइप्रेसन, टैलीप्रेसन, फैलीप्रेसन, ये इसके एनालॉग्स हैं। डेस्मोप्रेसन सेलेक्टिव V2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ज़्यादा पोटेंट है वैसोप्रेसन के कंपैरिजन में एंटी डायरेटिक के रूप में, इसलिए अपन इसको काम में लेते हैं, पर ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन नहीं दिखाता। लाइप्रेसन जो है वो V1 और V2 दोनों रिसेप्टर पर एक्ट करता है, ये लेस पोटेंट है पर लंबे समय तक अपना असर दिखाता है, इसको पेरेंटली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। टैलीप्रेसन जो है वो वैसोप्रेसन की प्रो ड्रग है और V1 एक्शन ये दिखाता है, इंट्रावेनसली इसको इंजेक्ट किया जाता है। फैलीप्रेसन मेनली वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में काम में लेते हैं, V1 अपना एक्शन दिखाता है ये लोकल एनेस्थेटिक के साथ में, तो लोकल एनेस्थीसिया के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को ये प्रोलोंग करने का, लंबा करने का काम कर देता है। वैसोप्रेसन एनालॉग के यूजेस देखिए आप, ड्यू टू V1 रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन, V1 रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन की वजह से एमरजेंसी में ब्लीडिंग को कंट्रोल करने, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग ईसोफेजियल वायरसेस, फॉर एमरजेंसी कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग ईसोफेजियल वायरसेस। टैलीप्रेसन जो है वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये मिजेंटिंग ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे कि पोर्टल वेसल में ब्लड कम हो जाएगा, वायरसेस में प्रेशर कम हो जाएगा और ब्लीडिंग होनी रुक जाएगी। इसके अलावा वैसोप्रेसन को अपन एब्डोमिनल रेडियोग्राफी में भी काम में लेते हैं, ताकि वो इंटेस्टाइनल गैसेस को एक्सपेल कर सके,
इंटेस्टाइन में कोई गैस है तो वो एक्सपेल हो जाए, ताकि आराम से अपन एब्डोमेन की रेडियोग्राफी कर सकें, उससे पहले अपन को ये ड्रग देनी होती है। इसके अलावा सेंट्रल डायबिटिस इंसिपिडिस के अंदर भी अपन दे रहे होते हैं, न्यूरोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडिस आप इसको कह दो, चाहे सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडिस कह दो। न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस में DI जो है वो कंडीशन है जिसके अंदर लार्ज वॉल्यूम में डायल्यूट यूरिन एक्सक्रीट हो रहा होता है, चाहे ADH सिक्रीशन के कम होने से ये हो रहा हो न्यूरल हाइपोफाइसिस से, या फिर रिनल ट्यूबुलर रिस्पॉन्स अगर इनएडिक्वेट होता है ADH के प्रति, तो डेस्मोप्रेसिन का यूज़ अपन न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के रूप में कम कर ले सकते हैं। अब इसके अलावा हीमोफिलिया या वॉन विलब्रैंड डिजीज़ हो जाए, हीमोफिलिया में ब्लड क्लॉट नहीं बनता, वॉन विलब्रैंड डिजीज़ के अंदर भी ब्लड क्लॉट नहीं बनता, इसका डीकम्प्रेशन हो जाता है, तो अपन एडमिनिस्टर्ड अगर इंट्रावीनसली अपन एडमिनिस्टर्ड इसको कर सकते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इनमें ब्लड क्लॉट हो नहीं रहा तो ब्लीडिंग हो ही नहीं, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए अपन ये ड्रग दे सकते हैं। तो ये फैक्टर 8 को और वॉन विलब्रैंड फैक्टर को बढ़ा देता है, जिससे कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस किसी के अंदर हो रहा हो तो डेस्मोप्रेसिन बेड टाइम पे देंगे, भाई छोटे बच्चों में ऐसा देखा जा रहा होता है नॉक्टर्नल यूरिन वॉल्यूम, रात के समय बिस्तर गीला करने की कुछ बच्चों में आदत होती है, तो फिर अपन ये ड्रग जो है डेस्मोप्रेसिन उन बच्चों को दे सकते हैं। अब एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं भाई, तो देखिए नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लीचिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प होने लग जाता है लोगों के अंदर, कमर में दर्द होने लग जाता है क्योंकि ये यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, वैसोप्रेसिन प्रेसिपिटेट हो जाता है, कैन प्रेसिपिटेट एन अटैक ऑफ एंजाइना का अटैक भी आ सकता है वैसोप्रेसिन की वजह से, सीने में दर्द होने लग जाएगा क्योंकि ये कोरोनरी ब्लड वेसल को नैरो कर देता है भाई, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, V1 मीडिएटेड ड्रग्स की खासियत है, इसलिए ये हाइपरटेंशन या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनमें नहीं देना चाहिए। इंट्रानेसल अगर आप डेस्मोप्रेसिन को दे रहे हो तो ये लोकल इरिटेशन और हो सकता है नाक में अल्सर भी कॉज कर दे, फ्लूड रिटेंशन और हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है V1 मीडिएटेड ड्रग की वजह से, तो ऐसे में हमें एक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट को ये नहीं देना चाहिए, ठीक है। बस इसके बाद यही जो चीज़ें हमने बोली हैं वो डायग्रामेटिकली आपको इसमें दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं जो चीज़ बोली वो सारी इसमें लिखी हुई है, खुद से पढ़ लीजिए, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ अपना ये आज का टॉपिक पूरी ये यूनिट ख़त्म, मैंने पूरी यूनिट एक साथ आपको बताई है, रीनल फार्मेकोलॉजी जो 5th चैप्टर है आपके सब्जेक्ट का, वो अपना आज कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझसे ईमेल के थ्रू अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।